ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में आ पहुंचा है और विश्लेषकों ने चुनावी परिणाम का आकलन लगाना शुरू कर दिया है। अगर किसी तथ्य पर सभी चुनावी विश्लेषक एक मत हैं, तो वो ये है कि इस बार बीजेपी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। अभी तक मिले चुनावी रुझान भी इसी ओर इशारा करते हैं। इस तथ्य को बीजेपी नेता राम माधव और सुब्रमण्यम स्वामी भी स्वीकार कर चुके हैं। अगर बीजेपी ये मान चुकी है कि उसे बहुमत नहीं मिलेगा, तो उसे सत्ता में वापसी के लिए सहयोगी घटक दलों की दरकार होगी। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके सहयोगियों की खुद की हालत अपने ही राज्यों में काफी खराब दिख रही है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद महागठबंधन से पहले ही भारी नुकसान होने की संभावना है। अगर सहयोगी घटक दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो बीजेपी के लिए चुनाव के बाद सरकार बनाना लोहे के चने चबाना जैसा होगा। यहाँ उन दलों का जिक्र कर रहे हैं जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन उनके हालात खुद के राज्यों में दयनीय हैं। लोजपा बीजेपी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 17, जदयू 17 और लोजपा 6 सीटों पर चुनावी दंगल में है। बीजेपी के लिए यहाँ परेशानी ये है कि इस बार लोजपा की स्थिति 2014 जैसी नहीं दिख रही है और न ही दलित वोटों पर उनकी पकड़ पहले वाली बची है। पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बिहार के दलितों में रामविलास पासवान को लेकर गहरी नाराजगी है, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। जदयू जनता दल यूनाइटेड ने 2014 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद एनडीए से नाता तोड़ लिया था। जेडीयू 2014 में अकेले चुनाव मैदान में थी और 2015 का विधानसभा चुनाव राजद के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि ये शासकीय ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सका और नीतीश कुमार ने पाला बदलकर अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। अब जदयू लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। पाला बदलने से बिहार की जनता में नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी पहले से ही देखने को मिल रही है। अकाली दल पंजाब की सियासत में अकाली दल का प्रभाव शुरुआत से रहा है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके हालात बदतर हो गए। अकाली दल को 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 56 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2017 में पार्टी केवल 15 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि अकाली दल इस बार मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाया। अगर अकाली दल के यहां हालात इतने दयनीय हैं, तो बीजेपी के लिए वहां कोई भी संभावना तलाशना बेमानी होगा। AIDMK 2014 के चुनाव में AIDMK ने तमिलनाडु की 37 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद पार्टी की स्थिति वैसी नहीं रही। जयललिता के निधन के बाद CM पद के लिए पार्टी के भीतर संघर्ष हुआ। बीजेपी ने तमिलनाडु के AIDMK और PMK से गठबंधन किया है। यहां से बीजेपी 5, PMK 7 और शेष सीटों पर AIDMK चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनावी सर्वेक्षण में DMK को भारी जीत मिल रही है। शिवसेना बीजेपी और शिवसेना ने 2014 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था। विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के मध्य सीट बंटवारे को लेकर हुई तकरार के बाद दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन सरकार में शिवसेना की हिस्सेदारी नहीं रही। चुनाव के ऐन वक्त पहले अमित शाह के कहने पर शिवसेना गठबंधन में चुनाव लड़ने को तैयार हुई। हालांकि यहां बीजेपी शिवसेना गठबंधन काफी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस NCP गठबंधन उसे टक्कर दे रहा है। पॉलिटॉक्स के लिए शुभम शर्मा की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।